सोनू के इस जन्मदिन की खुशी में मैं इसे सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। राजा आओ। सोनू को मैं बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा मैंने इसे अपनी बेटी की तरह समझा है। आज मैं चाहती हूँ कि इसे अपने घर की बहू बना। नहीं दादी, हाँ? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या कमी है इसमें? सोनू बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है, लेकिन ये मंगनी नहीं हो सकती। जब पसंद है, दोस्त है, फिर क्या वजह है इनकार की? वजह ये है दादी माँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और उस लड़की को छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry, son. नहीं बेटी, नहीं। वाह बेटा वाह, बहुत रोशन कर दिया तूने आज अपनी दादी माँ का नाम। लेकिन दादी माँ, मेरी शादी का फैसला करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं था कि आप मुझसे पूछ लेती? सोनू के साथ तुम्हारा उठना बैठना बातचीत का ढंग देखकर मैं समझी थी तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पर अब मैं इस पहेली में और उलझना नहीं चाहती। साफ साफ बता दो कि कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने भरी महफिल में आज मेरी गर्दन झुका दी। वो आपकी भी चाहती है दादी माँ, आपने उसे प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। छाया? हाँ जी दादी माँ, मैं उसी छाया की बात कर रहा हूँ जिसने अभी से इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पे संभाल रखा है। पागल हो गया है तू, मेरे ही पांव की धूल को मेरे सर का सरताज बनाना चाहता है। एक नौकरानी से शादी करके रिश्ते हमेशा बराबर के खानदान में होते हैं। इज्जत होती है वो डोली जिसमें बिठाकर दुल्हन को घर लाया जाता है। कोई भी खानदान, कोई भी रुतबा प्यार से बढ़कर नहीं होता दादी माँ। मैं अपनी प्यार की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ छाया से, वरना किसी से नहीं। जोर जबरदस्ती से जिस्मों को तो बांधा जा सकता है, मगर दो दिलों को नहीं। अगर राजा के दिल में किसी और के लिए प्यार है तो वो शादी भी उसी से करेगा। एक लड़की की खातिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी धुंधला हो गया? तेरा और मेरा रिश्ता तो जिंदगी की आखिरी सांस तक अमर रहेगा दादी माँ, मगर इस रिश्ते के डोर में छाया को भी बांध लीजिए। एक ही छत के नीचे तीन जिंदगियों को स्वर मिल जाएगा। दादी माँ, अगर आपने इनकार कर दिया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में। नहीं, मैं ऐसा किसी कीमत पर भी नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है जो राजा के दिल में घर करके बैठी है, मैं उसकी खाल को खींचकर अंजलि प्रसाद सेना के घर की दीवारों पर लगा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़ी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। जब कल रात उन्होंने तुम्हारी शादी सोनू से तय कर दी थी, तब एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ऐसे कैसे सोचा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ प्यार निभाने की कसमें खाई हैं, तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया के हर तूफान से टकरा जाऊंगा। तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो उम्मीद बन जाती है, लेकिन मांझा बाबू और बड़ी माँ के बारे में सोचती हूँ तो मेरी उम्मीद टूट जाती है। पता है, मैं कल रात से बड़ी माँ के कमरे में गई तक नहीं। और अजय, तुम नहीं जानते, ये जो मैनेजर बाबू है ना, बहुत चालाक है। अगर उन्होंने ये ठान लिया कि वो उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे तो वो करके ही रहेंगे। उसकी क्या मजाल कि हमारे प्यार के बीच में आए। छाया, मायूसी को अपने दिल से निकाल दो। सुनो, मुझे पूरा यकीन है कि दादी माँ हमारे प्यार को कबूल करेंगी और हम दोनों को एक ही बंधन में बांध देंगी। जी जी जी, राजा एक नौकरानी से शादी करना चाहता है, दोबारा इस घर में एक नौकरानी से शादी, इस तरह कितनी बार आप अपने पति को मारेंगी? मैं क्या करूं, राजा जिद कर रहा है। राजा बेचारा तो बच्चा है,
मैं इन गांव वाली लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इनकी चाल होती है रुपया बटोरने की। हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करें जी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ और इस वक्त मौका भी अच्छा है, राजा क्लब गया हुआ है, मैं उस चापलूस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता हूँ। जिस घर के टुकड़े खाकर तू पड़ी हुई है, उसी घर के चराग से तू अपने झोंपड़े में रोशन करना चाहती है। चाल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बड़ी माँ, बड़ी माँ, देखिए बड़ी माँ, ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। आप कुछ कहिए इन्हें, रोकिए। बड़ी माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा करेगी। बड़ी माँ, मैंने क्या किया? बड़ी माँ, शर्म कर बेशरम। इस देवी माँ ने, इस बड़ी माँ ने तुझे बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया, और ये बता दिया है तूने इसका राजा पर ही डोरे डालने लगी है। अरे हमारा राजा तो बेचारा नादान है, ना समझ है। तूने ही बेगैरत, तूने ही अपने रूप के माया जाल में उसे फांसा है। जल्दी बजे यहाँ से, अब तुम्हें पल भर भी नहीं रुकने दूंगा। 22 साल पहले तुमने हमेशा मेरी बनाया था, मैं उससे दोबारा हाथ पीछे नहीं करने दूंगा। दबाओ ना यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? ये सब क्या हो रहा है बड़ी माँ? अरे बरसों से जिसे आपने अपने सीने से लगा के रखा, उसे आप ये धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही हैं? अरे कल तक तो आप इसकी शादी की बात कर रही थी, इसके लिए लड़का तलाश कर रही थी, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? क्यों निकाल रही हैं इसे आप? ये अपनी करनी का फल भुगत रही है। करनी का फल? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। इस कुएं की मेंढकी ने समुंदर का ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। इस हवेली और इसकी सारी जायदाद को निगल जाना चाहती है ये। हाँ, अपने झूठे प्यार के जाल में हमारे मासूम राजा को इसने किस तरह फंसाया, जरा पूछो इससे। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। बोल छाया, सबके सामने बोल के ये सब झूठ है। मुझे दौलत और महलों का कोई लालच नहीं है। पर क्या राजा के साथ प्यार करने वाली बात सच है या नहीं? सच है। लेकिन सुन लिया शंकर, सुन लिया अपने कानों से। अब ले जाओ इस गंदगी, गंदी नाली का कीड़ा राजा के ताज को छूने चला। ए, ए, हमारे खून को गंदा मत कहना मैनेजर बाबू, वरना हमारा खून भी खौल उठेगा। लेकर जा रहे हैं अपनी बहन को यहाँ से, और वचन देकर जाते हैं कि आज के बाद हम और हमारी बहन आपकी हवेली की शक्ल भी नहीं देखेंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अपने राजा बाबू की लगाम अपने हाथों में खींच कर रखिएगा। मेरी बहन की ओर उसने देखने की कोशिश भी की तो काट डालूंगा मैं उसे। टूट गया रिश्ता हमारा और आपका, वो दीवार खड़ी होगी हमारे बीच जो अब मेरे जीते जी नहीं टूटेगी। चल किसी से मिलने मिला चल। भैया संभालो अपनी लाडली को। क्या किया है इसने? उस दौलतमंद बड़ी माँ के दौलतमंद बेटे को दिल देकर आई है तुम्हारी लाडली। क्या? धक्के मारकर निकाल दिया है बड़ी माँ ने हवेली से। कितने इल्जाम, कितने लंचन अपने सर पर लेकर आई है ये। आज से इसका इस घर से बाहर निकलना बंद, सारा खाना पीना ताले के अंदर होगा। मैं जाकर मणिराम से मिलता हूँ। छाया, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे जुल्म मत करो, मुझे बस एक बार राजा से मिलने दो। मत नाम लेना उस हरामजादे का अपनी जबान से, मत नाम लेना। ये दरवाजा उसी दिन खुलेगा जिस दिन मणिराम की बारात इस घर में आएगी और तेरी टोली उठेगी, समझी? उससे पहले मेरी आंखें उठेगी। मैं कह देती हूँ, अगर आपने जबरदस्ती मेरी